गुरु का बच्चा जनता Check, check, check.
मरुगा शाबाश ठीक है वेरी वेल वेरी वेल शाबाश गुड ट्राई निकल दे वाला।
बिल्कुल रिलैक्स, बॉल पिच कर भी लगी है, फिर भी छका। आप कंधा बैठते बाद ठीक है बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बार फिर आपका खैर मकदम करेंगे हमदान क्रिकेट ग्राउंड बागवार से। 136 रन के हदफ के ताकब में ईदगाह क्रिकेट क्लब की बैटिंग जारी है। 15 मजमू स्कोर है खिलाड़ी के नुकसान पर। इनिंग्स का तीसरा ओवर चल रहा है। यासर सामना करेंगे, 5 गेंदें से पहले खेली हैं, अभी तक गेट ऑफ द मार्क नहीं हुए। लुकमान 9 गेंदों पर 12 रन के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं। फारूक राइट आर्म ओवर दी विकेट से, नेक्स्ट टाइम से बहुत बाहर गेंद, 5 रन मिलेंगे। विकेट कीपर भी पकड़ने में नाकाम, उनकी पहुंच से भी दूर है। सज्जाद 2 गेंदों पर गोल्डन डक का शिकार हुए हैं, 2 गेंद खेली हैं बगैर कोई रन बनाए। पवेलियन वापस लौटे हैं, लेग बाई के ये रन हैं, 4 आएंगे या नहीं, अच्छा है एफर्ट फील्डर की जानिब से, 2 ही रन आएंगे। 92 गेंदों पर 115 रन रिक्वायर्ड हैं ईदगाह क्रिकेट क्लब के लिए। ओवर मुकम्मल, 3 के बाद 24, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। ओ यार,
नो टेंशन नहीं करते इसलिए दबाने नहीं इधर पार्क रखें मैं तो यूँ डीयू मंगाल छोड़ दीजिए पानी में डीयू अंकल हराव नहीं आ रहा ये बॉल बॉल के मार के नहीं आ रही स्पिनर का इंतखाब किया है फील्ड रेस्ट्रिक्शन से क्या ओवर में ही तीन के बाद 24 है चौथे ओवर के लिए गेंद थमाई है स्पिनर के हाथों में लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनका सामना करेंगे यासर अच्छी गेंद है लेग बाय के अकरन मजीद लेने के लिए निकले हैं डायरेक्ट हिट अगर नॉन स्ट्राइक एंड पर लगती तो करीबी मामला हो सकता था बहरहाल एक रन मजीद आता हुआ इनका क्रिकेट क्लब के लिए पिछले कदम पर आकर गाइड किया है उस गेंद को फील्डर वहां पर मौजूद थे फंबल हुआ है उनसे फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि बैकअप रिकवर कर दिया था उन्होंने उस गेंद पर वापस लपके थे एक और सिंगल ईदगाह क्रिकेट क्लब के लिए बढ़ता हुआ स्कोर है 26 यासर सामना करेंगे हाफ ट्रैकर है फायदा नहीं उठा पाए लेग स्टंप से बाहर वाइड मिलेगी फ्लाइट डिलीवरी बॉल नेम बिल्कुल भी समझ नहीं पाए फ्लाइट में बीट हो गए और ऑफ स्टंप को खाड़ दिया उस गेंद ने दूसरी विकेट का नुकसान मुश्किलात की जानब खेलती हुई ईदगाह क्रिकेट क्लब की टीम इस लो रन चेस में अपने आप को कैमरा को महीना उड़ा त्रे सौ में सिरा लगे थे उम्र है उमर ने आने वाले बल्लेबाज चौथी विकेट पर ईदगाह क्रिकेट क्लब की जानब से दोनों ओपनर डकआउट में वापस ठीक ठाक
स्कोर आपो आप ना लाइफ कर दे यार जो वो कर दे पारो ए था जुल दिन जी खराब गेंद है, खेल दिया है लेग स्टंप की जानब चार रनों के लिए। काफ़ी पीछे गिरा हुआ गेंद था, काफ़ी टाइम मौजूद था उमर के पास। चौके के साथ अपने स्कोर का खाता खोला है उन्होंने। ईदगाह क्रिकेट क्लब का बढ़ता हुआ स्कोर है 31, दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। इनिंग्स का चौथा ओवर चल रहा है। इनसाइड एज लगा था, इसी के साथ ओवर मुकम्मल। चार के बाद 31, दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। अंपायर का फैसला होया, अंपायर को पूछो, अंपायर को पूछो यार, अंपायर कैसे खेल रहे यार, उसको पूछते हो डॉक्टर अपनी मारते डॉक्टर। रजा एक और स्पिनर को मुतारफ करवाया गया है, मीडियम पेसर है, सॉरी अंपायर का इशारा देखना होगा, लीगल डिलीवरी है। दीवार स्वीप मारने गए थे, अंपायर ने उंगली फिजा में बुलंद की और आउट का इशारा दिया, बिल्कुल विकेटों के सामने थे। रिवर्स स्वीप की नाकाम कोशिश, अपनी विकेट खोएंगे उस रिवर्स स्वीप मारने के जुर्म में। लाइन लग गई है ईदगाह क्रिकेट क्लब की टीम की, बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई है शुरू से ही। तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 31 से मजमू स्कोर। नए आने वाले बल्लेबाज हैं असद, रजा का शानदार शुरुआत रजा की जानब से। दिफाई अंदाज में खेले हैं, फील्डर मौजूद है। अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर विकेट ले उड़े हैं रजा। लुकमान को पवेलियन की राह दिखाई थी, फ्लाइट डिलीवरी फुल लेंथ डिलीवरी। एक और डार्ट गेंद, गाइड किया है, गली में फील्डर मौजूद। शानदार ओवर इख्तिताम पजीर। पांच के बाद 31, तीन खिलाड़ियों के नुकसान पर ईदगाह क्रिकेट क्लब। उमर अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे, शुरू में स्पिनर्स का भरपूर फायदा हुआ है अभी तक, जो दो ओवर डाले हैं स्पिनर्स ने।
31 के मजमू स्कोर पर तीन खिलाड़ी पवेलियन में वापस मौजूद हैं। 7 विकेट उनके हाथ में है, जबकि हदफ 136 रन का हदफ अबूर करना है। उमर अपने कोटे के दूसरे ओवर के साथ लीड सेम अगेन। फ्लाइट डिलीवरी वापस गेंदबाज की जानब खेला है। लाउड कॉल नौ की स्ट्राइकर की जानब से। कट किया है, कवर पर फील्डर मौजूद है, रन बनाने का मौका नहीं। मुसलसल 3 गेंदें डॉट खेल चुके हैं। सिंगल डबल भी अगर आए तो रन का पहिया अगर चलता जाए तो फायदेमंद साबित होगा। ईदगाह के लिए गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए आसान सा कैच उनके लिए। चौथा खिलाड़ी भी पवेलियन वापस लौटेगा। बेहतरीन जवाब दिया है ईदगाह क्रिकेट क्लब को अभी तक राखी 11 ने। चौथे खिलाड़ी को वापस पवेलियन की राह दिखाई है महज 31 के मजमू स्कोर पर। 7 गेंदें 4 रन सिर्फ किए हैं उमर ने। जाहिद नए आने वाले बल्लेबाज, पहली मर्तबा काफ़ी अरसे के बाद इनको हम देख रहे हैं हमदान क्रिकेट ग्राउंड बागवार में। सऊदी अरब ऐसे ही अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे हैं, आज कप्तानी के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी अब आए थे ईदगाह क्रिकेट क्लब का बेड़ा पार लगाने के लिए। उनका कहना है कि 2 साल 3 माह बाद बल्ला हाथ में लिया है। कमबैक का मुकाबला है जाहिद के लिए, उसको यादगार बनाने का मौका है उनके पास। उनकी टीम में काफी मुश्किलात का शिकार है। नेक्स्ट टर्म से बाहर गेंद, चौका आएगा वाइड के साथ। जी हाँ जरूर आएगा, इन रनों से परहेज करनी होगी, इजाफी रन नहीं देने होंगे क्योंकि टोटल इतना बड़ा स्कोर बोर्ड पर नहीं है। सिर्फ एक शराकत दारी आपको मैच से बहुत दूर ले जाएगी। राखी 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, इस अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट करना होगा, इसको आगे लेकर चलना होगा। राखी 11 की जानब से 4 खिलाड़ी इनसाइड फील्ड रेस्ट्रिक्शंस आउट हो चुके हैं। कदम बढ़ाकर वापस गेंदबाज की जानब, डायरेक्टेड जरूर लगी है, उसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। ओवर थ्रो का रन आएगा। गेंद हवा में, फील्डर से काफी दूर है। इसी के साथ ओवर मुकम्मल, 6 के बाद 37 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। फील्ड रेस्ट्रिक्शंस अब ख़त्म हो चुकी है, मैक्सिमम 5 फील्डर्स अब आप 30 गज के दायरे के बाहर तैनात कर सकते हैं। स्पिनर का बेहतरीन अटैक शुरू के ओवर्स में, 3 ओवर डाले हैं, गालिबा ने 2 विकटें हासिल की हैं, रन को भी खूब रोक के रखा है। देखना होगा कि फील्ड रेस्ट्रिक्शन के ख़त्म होने के बाद बदस्तूर स्पिनर्स पर ही एतमाद का इजहार करेंगे। जी हाँ ज़रूर करेंगे। 22 नंबर की जर्सी में मलबूस तजर्बेकार क्रिकेटर रजा गेंद को हाथ में थामे हुए बॉलिंग निशान पर मौजूद है।
37 पर चार खिलाड़ी आउट हैं, 100 रन रिक्वायर्ड हैं, बाकी बचे हुए 12 ओवर से 72 गेंदे 100 रन से रन और गेंदों के दरमियान इतना फर्क नहीं है, विकेट से इन हैंड रखने होंगे, 6 विकेटें अभी बाकी हैं, शराकत दारी आनी चाहिए, भले रन बॉल आए जाए शराकत दारी आनी चाहिए। रजा राइट आर्म ओवर दी विकेट से, अगले कदम पर जाकर हवा में खेल दिया है कैचिंग प्रैक्टिस से और पहुंच नहीं पाया कोई भी वहां पर खिलाड़ी, लेट हो गए या बाल फंस गया कुछ इशू हुआ है जाहिद के साथ। बड़े शॉट के लिए गए थे, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, बीट हुए गेंद, विकेट कीपर को लगने के बाद आगे गई है। इस बार पुरेतमाद अंदाज में अगले कदम पर जाकर ड्राइव किया है उस गेंद को, एक रन हासिल किया है जाहिद ने। सिंगल के साथ बढ़ते हुए स्कोर है 38, कट करने गए थे, बीट हुए, स्किट मिली है इस बार रजा को नई गेंद के साथ, कमाल गेंदबाजी स्पिनर्स की जानब से। LBW की हल्की सी अपील, डाउन दी लेग साइड जा रही थी वो गेंद, एक और कमाल का गेंद, फास्टर वन के साथ ओवर मुकम्मल, 7 के बाद 38, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर, बैटिंग कार्ड अभी तक तो रेत की दीवार साबित हुई है ईदगाह क्रिकेट क्लब की टीम, देखना होगा कि ये शराकत दारी उनको कितना सहारा देती है, कितना करीब लेकर जाती है उस रन चेस के। उधर कर गेंद रुक सी, बटे तो रखो ना, गलत रहे बस सही। कामरान अपने कोटे के पहले ओवर के साथ राइट आर्म राउंड विकेट से, काफी नीचे रही है गेंद पड़ने के बाद, अगले कदम पर जाकर दिफाई अंदाज में खेले हैं वापस गेंदबाज की जानब, यही बैटिंग रिक्वायर्ड है, सेंसिबल बल्लेबाजी, सिंगल डबल पर अभी इक्तफा करना होगा 2-3 ओवर्स के लिए, सेट होने के बाद आप बड़े शॉट के लिए जा सकते हैं क्योंकि वक्त आपके पास है, अभी विकटें कम हैं, वक्त आपके पास काफ़ी है। सही से बल्ले पर तो नहीं आई, फील्डर मौजूद है स्ट्रेट डाउन दी ग्राउंड, फंबल हुआ है उनसे जिसका फायदा उठाएंगे दोनों बल्लेबाज और तेजी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। मजीद दो रन जाते हुए ईदगाह क्रिकेट क्लब के लिए, कट करना चाहते थे, काफ़ी हार्ड चले गए उस गेंद पर जिसकी वजह से बीट हुए हैं, गेंद आई है विकेट कीपर के ग्लव्स में,
सीधे बल्ले से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, पांवों के साथ रोका, रोकने की कोशिश की थी उसकी गेंद को, काफी तेज था वो शॉट। एक रन मजीद आएगा ईदगाह क्रिकेट क्लब के लिए। पेड़ को लगी है, जहां से तो यही आवाज आई है कि पेड़ को लगी है वो गेंद। जी हां, अंपायर की जानिब से बेहतरीन फैसला। आठ के बाद 41, चार खिलाड़ियों के नुकसान पर। उमर अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे अपने कोर्ट के तीसरे ओवर के साथ। दो ओवर में 12 रन कंसीड किए हैं, दो विकेटें हासिल की हैं। अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी लेफ्ट आर्म स्पिनर उमर की जानिब से। फ्लाइट डिलीवरी, नेक्स्ट आर्म से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। क्विक थ्रू दी एयर, पिछले कदम पर आकर पंच की है उस गेंद को लॉन्ग ऑफ की जानिब एक रन के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर है 43। फ्लाइट डिलीवरी, ड्राइव किया है कवर की जानिब, फील्डर गेंद के पीछे हैं, गेंद की रफ्तार काफी तेज है, फील्डर से पहले जाएगी बाउंड्री से पार। काफी देर के बाद बाउंड्री आई है, वेलकम बाउंड्री है ईदगाह क्रिकेट क्लब के लिए। असद के बल्ले से आई है, बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट थी वो। फ्लाइट डिलीवरी को शानदार तरीके से मिडिल ऑफ द बैट से खेले थे। पिछले कदम पर आकर पेड़ को लगी है, मुकम्मल किया है, दो की मांग, जाहिर की जानिब से वापस आएंगे और आउट हो जाएंगे। डायरेक्ट हिट लगी है, विकेट कीपर का शानदार थ्रो, सीधा जाकर विकेटों को लगा। असद की इनिंग्स का वहां पर खात्मा हुआ है। सिर्फ 47 के मजमू स्कोर पर आधी टीम आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुकी है ईदगाह क्रिकेट क्लब की। नए आने वाले बल्लेबाज मुदस्सर, वो बोल रहे हैं वही एक बात।
Thank you.
चोट यारा चोट हुए यारा पर चोट अजय जी दूसरे के लिए भाग रहे हैं यार।
के साथ यार मैच सनसनीखेज लम्हात में दाखिल हो चुका है। 12 के बाद 73 पांच खिलाड़ियों के नुकसान पर जाहिद काफ़ी मुख्तात अंदाज अपनाए हुए 18 गेंदें खेली हैं, 11 रन स्कोर किए हैं, 12 के रन आएंगे और 2 आएंगे आसानी के साथ। दूसरी अटेम्प्ट पर डाइव लगाकर फील्ड किया है वहां पर मौजूद फील्डर ने, 2 एक्स्ट्रा रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 75। जाहिद एक बार फिर एज हुआ था, जाहिद के खाते में रन आए हैं। लॉन्ग दी ग्राउंड मिड विकेट की जानब खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन मजीद आएगा, स्ट्राइक वापस मुदस्सर के पास आएगा जो यकीनन अब बड़े शॉट के लिए जाएंगे क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। सिंगल होता है तब भी रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता है, बाउंड्रीज की तलाश होगी ज़रूर इस ओवर में मुदस्सर को। बॉल कर दिया है वहां पर, कमाल का गेंद पड़ने के बाद सिकिट हुआ और मिडिल स्टंप को खाड़ दिया उस गेंद ने, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट दिलाई है उमर ने। उमर की तीसरी विकेट है, बेहतरीन गेंदबाजी आज लेफ्ट आर्म स्पिनर की जानब से। मुदस्सर पवेलियन की राह पर वापस गामजन, छिहत्तर हो गए यार, मावरे चर मावरे हो चर म उतर आ जाइए रहा एलमेंट जाइए रहा पाँच स्कोर देने पाँच स्कोर देने चक्कर भी बत्तीस गेंदों पर 60 रनों की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए ईदगाह क्रिकेट क्लब को। पंच किया है इरफान ने,
उनके खाते में पहला रन आएगा। बढ़ता हुआ स्कोर है 77 छह खिलाड़ियों के नुकसान पर। लाइटर डिलीवरी लेग स्टंप से बाहर, हवाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। सही से बल्ले पर नहीं है, ऊपर वाला का नारा लगा है। पिछले कदम पर आकर पंच किया है पॉइंट की जानब, डायरेक्ट हिट नहीं लगी है। विकेट कीपर ने सिर्फ ग्लव्स लगाए हैं विकेटों को, गेंद नहीं लगी। इसी के साथ ओवर मुकम्मल, 13 के बाद 80 छह खिलाड़ियों के नुकसान पर। तीस गेंदों पर 56 रनों की जरूरत है। जुबैर बॉल निशान पर, कम्युनिटी कह रहे हैं बाल डाट हो गए बोल रहे डाट बाहर कम्युनिटी का है ना वाइट हूँ खोते वाइट ना सर वाइट ना नहीं पता नहीं यार दुई बार त्री दिन कौन जीते डॉक्टर ये छक्के वाला एक एक मारे तू किस किस लगा रिजवान एक एक मारे हाँ तो रिजवान भी छक्का मारे डॉक्टर हाँ ना रिजवान भी एक मारे डॉक्टर भी एक मारे नौरवान फील्डर गेंद के पीछे ज़रूर है, रोक नहीं पाएंगे। 4 रनों के लिए गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से पार। अभी तक शानदार ओवर है, पहला चौका आया है, 5 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की। पच्चीस गेंदों पर 51 रनों की ज़रूरत है। कट किया है, फील्डर मौजूद है वहां पर। ओवर थ्रो का भी एक रन मजीद आएगा। नहीं।
24 बॉल 49 14 के बाद 87 छह खिलाड़ियों के नुकसान पर 24 गेंदों पर 49 रन दरकार हैं। फारूक को वापस बुलाया गया है बोलेंगे कि जिम्मेदारी संभालने के लिए। दो ओवर किए हैं, 20 रन के अवज एक विकेट हासिल कर रखी है। अरफान मौजूद हैं ग्रीस पर, काबिलियत है इनमें बल्लेबाजी करने की। 24 गेंदों पर 49 रन दरकार है ये मैच जीतने के लिए ईदगाह क्रिकेट क्लब को। बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, सही से बल्ले पर नहीं आई। दो की मांग मुकम्मल भी करेंगे दो फील्डर्स को अंडर प्रेशर लाते हुए। डार्ट करने में कामयाब हुए हैं। खत्म से 89 छह खिलाड़ियों के नुकसान पर। ऑफ स्टंप से बहुत बाहर, वाइड का इशारा देंगे अंपायर। दो गेंदें हुई हैं इस ओवर की, कुल मिलाकर 3 रन आ चुके हैं। बड़ा ओवर लाना होगा, अगली 4 गेंदों पर बाउंड्रीज की जानब जाना होगा अरफान को। शॉट तो अच्छा खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक ही रन तक महदूद रहेंगे। सिंगल डबल हार्ट नहीं करेंगे बॉलिंग साइड को जब तक बाउंड्रीज नहीं आती। ईदगाह क्रिकेट क्लब के लिए नुकसानदेह साबित होगा। जाहिद अब सामना करेंगे जिन्होंने 23 गेंदें खेली हैं, 21 रन स्कोर किए हैं। इनको भी बड़े शॉट के लिए लाजमी जाना चाहिए इस ओवर में। डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की जानब, फील्डर वहां पर मौजूद। फंबल हुआ है उनसे, रन आउट का खतरा है। पहुंचाए हैं जाहिद, थ्रो काफ़ी देर से पहुंची थी विकेट कीपर तक, जिसकी वजह से महफूज रहे हैं जाहिद। बड़े शॉट्स की ज़रूरत है, दो गेंदें इस ओवर की बाकी हैं। इसके बाद सिर्फ 3 ओवर का खेल बाकी बच जाएगा ईदगाह क्रिकेट क्लब के लिए। कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, सीधा गया है फील्डर के हाथों में। जाहिद बिलाखर आउट होकर पवेलियन वापस लौटेंगे 25 गेंदों पर। सुस्त इनिंग्स, 23 रन की इनिंग्स खेली है। टीम को मुश्किलात में छोड़कर पवेलियन वापस जाएंगे। 7वीं विकेट का नुकसान ईदगाह क्रिकेट क्लब के लिए।
81 सत बी ओवर जितके कोट है कोटा हां 81 बड़ा रन सत बी ओवर कोटा जब कोटा गठन ने कोटा 14 रन 14 रन 14 स्कोर ना 81 सत 3 रन से हो 3 रन कितने टारगेट थ्री स्कोर ना गठन ले क्या पता नहीं थी दा दा स्ट्राइक एक और खिलाड़ी पवेलियन है कि वाप सत आउट ही उन्होंने यानी वो वापस जाएगा इरफान इस बार आउट हुए हैं इधर देखो थोड़ा जीत के त्रय रन से और ना करो आखिरी ओवर किसकी था और यार और यहाँ को पैजू है गोस डाउन दी ग्राउंड फील्डर मौजूद हैं कैच लेंगे आसानी के साथ नवी विकेट का नुकसान आखिरी विकेट अब बाकी है नौमान गोल्डन डक का शिकार हुए हैं चार स्कोर अच्छा भाई सिंह का
ਜੀਐਸ ਸਕੋਰ ਇਨ ਦਸ ਹੌਟ ਦਸ ਹਰ ਗੋ ਆਊਟਰ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਡ ਡਾਊਨ ਦੀ ਲੈਗ ਸਾਈਡ ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ ਅਬ ਬਾਕੀ ਹੈ ਵਿਕਟ ਕੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਰਨ ਰੇਟ ਕੋ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਜਨ ਜੀਤ ਕਾ ਮਾਰਜਨ ਬੜਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਭੀ 40 ਰਨ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਯਹੀ ਪਰ ਅਗਰ ਵਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਨ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੀ ਰਾਖੀ 11 ਕਾ ਸੇਵਈ ਪਟਨਾਨੀ ਬੜਾ ਸੇਵਈ ਹਾਂ ਸਰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡਰ ਮੌਜੂਦ ਕੈਚ ਲਿਆ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਚ ਵੀ ਜੀਤਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਰਾਖੀ 11 ਨੇ 40 ਰਨ ਸੇ ਮੈਚ ਜੀਤਾ ਹੈ 39 ਰਨ ਸੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਰਾਮ ਕੋ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ